नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ठाकुर सीरीज चैनल। हमारी टीम आज आपको लेकर जा रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर दूर, जो कि रायसेन जिला में 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर अवस्थित है। यहां के विश्व प्रसिद्ध धरोहर के बारे में हम आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अंदाज़ा लगाया। हम सांची स्तूप के बारे में इससे जुड़े रोचक तथ्य आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सांची स्तूप को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में इसे सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में चिन्हित किया जा चुका है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के बारे में है, जिसकी संरचना 3री और 12वीं सदी के बीच के युग की तारीख में हुई है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासक सम्राट अशोक महान द्वारा सांची स्तूप का कार्य प्रारंभ किया गया था। इस स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए हुए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूप एक छत्र था। ईसा पूर्व 483 में गौतम बुद्ध ने जब देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों को उनके अनुयायियों द्वारा इन्हीं स्तूपों में सहेज कर रखा गया, तथा गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। स्तूप के निर्माण कार्य का कारोबार सम्राट अशोक महान की पत्नी को सौंपा गया था, जो कि विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। विदिशा से सांची की दूरी 10 किलोमीटर है। सांची उनका जन्म स्थान और उनके और सम्राट अशोक महान का विवाह स्थल भी था। दोस्तों, हम स्तूप की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि 3री सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी ईसा पूर्व तक 3 शासकों के कालखंड में कैसे इस स्तूप में संरचनात्मक बदलाव आए। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मौर्य शासन के समय महान अशोक ने जब इस स्तूप का निर्माण कराया तो स्तूप के शाब्दिक अर्थ को परिभाषित करता हुआ एक अर्धगोलाकार अंडानुमा आवरण हर्मिका एवं छत्री था। वैसे दोस्तों, स्तूप शब्द संस्कृत अथवा पाली से निकाला हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। स्तूपों के इस तरह से बनाया गया है कि खुले में स्तूपों पर मौसम का कोई प्रभाव ना हो सके। मित्र के द्वारा इस स्तूप को काफ़ी क्षति पहुंचाया गया, परंतु राजा पुष्यमित्र के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अग्निमित्र ने इस स्तूप के मरम्मत का कार्य किया और वेदिका बनवाया, जिसका मतलब रेलिंग होता है। इसी शासनकाल में वास्तविक ईंटों से निर्मित स्तूप को पत्थरों से ढका गया था। सत्वाहना शासनकाल में शासक सत्वाहन के द्वारा स्तूप के चतुर्दिक स्थलों पर 4 द्वारों का निर्माण करवाया गया, जिसे तोरण कहा जाता है। तोरण अथवा द्वार के लंबे पटकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित विशेष जातकों में वर्णित कथाओं का मूर्तिकारी के रूप में अद्भुत अंकन किया गया है। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के जीवन चित्र इस कला के मुख्य विशेषता हैं। स्तूपों के चारों तरफ अंदर से प्रतिक्षण पथ भी हैं। यहाँ छोटी बड़ी कुल 4 दर्जन संरचनाएँ हैं, जिसमें स्तूप क्रमांक 1 में 4 तोरण, जिसमें प्रत्येक तोरण प्यार, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। स्तूप क्रमांक 2 पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर है, जिसमें 10 बौद्ध भिक्षुओं का पार्थिव शरीर है। स्तूप क्रमांक 3 में केवल 1 ही तोरण द्वार है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि स्तूपों में मंदिर की भांति कोई गर्भगृह नहीं होता है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हम ये एहसास करते हैं कि समय के साथ साम्राज्य शासक एवं स्थल के उदय एवं पतन का स्मृति भी जुड़ा है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद सांची भी 14वीं सदी से ही वीरान हो गया और 18वीं सदी में टेलर ने इसे खोज निकाला। हालांकि सांची के उद्धार का वास्तविक श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है, जो 1912 से 1919 के बीच सांची के स्मारकों की खोज, खुदाई एवं संरक्षण का काम किया। सन 1919 में जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय का स्थापना किया, जो वर्तमान में स्थल संग्रहालय है। इस स्थल के समीप ही यह संग्रहालय है। स्तूप के परिसर में ही 22 कमरों का विहार है, जिसके बीच में एक हॉल है। कहा जाता है कि अशोक महान के बेटे एवं बेटी महेंद्र तथा संगमित्र और पत्नी देवी भी यहां रहे, जो धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। यह नालंदा से पहले का बना हुआ है। इस विहार में भिक्षापात्र, मोनास्ट्री, पानी संरक्षण हेतु तालाब एवं लकड़ी की छत थी। यहाँ ग्रीस सभ्यता से मिलती जुलती संरचना भी है। दोस्तों, अब हम आपको सांची स्तूप और उसके आसपास के एरिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। पहला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, यह भोपाल सांची रोड में एक पीली काल्पनिक रेखा के रूप में 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड के रूप में अंकित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल 8 राज्यों से होकर जाता है। दूसरा, 200 रुपये के भारतीय नोट में पीछे भाग में सांची स्तूप का चित्र है। तीसरा, इस परिसर के बाह्य भाग में 20वीं सदी
में निर्मित चेतियागिरी विहार मंदिर है। चौथा, सांची स्तूप को इसके सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चर एवं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लिए 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। पांचवा, सांची स्तूप का निर्माण लोकली अवेलेबल सैंड स्टोन से किया गया है। बौद्ध धर्म की इन्हीं स्मृति एवं पावन तीर्थ, जो कि शांति, पवित्र धर्म और साहस का प्रतीक माना जाता है, उनसे संबंधित बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए तथागत कहते हैं, मेरे रास्ते से बुद्ध हो जाओ, अपने अंदर के दीपक को जलाओ। दोस्तों, इस रोचक जानकारियों के साथ मैं ठाकुर एडिट टीम आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इससे भी अच्छी एवं रोचक जानकारियों से पूर्ण वीडियो हम आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएँ। धन्यवाद।